Okay, so good morning. Last time I have given you some sentences to do it by yourself. There were interrogative sentences I have given you. So let's solve them first and then we'll move on to our explanatory sentences. So first, you have to repeat the question, huh? I don't have question. My dad sent to me, do you believe me? My dad asked to, do I was believe? Connect kaise karna hai? Dad ki jagah kya likhna tha? कनेक्शन कुछ करना था ना, दैट की जगह कुछ लिखना था, क्या लिखना था दैट की जगह? यहाँ पे चार रूल लिखे थे ना मैंने, दैट की जगह क्या लिखते हम? डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं है ये, डब्ल्यू एच बिना वाले क्वेश्चन के चार रूल यहाँ पे लिखे थे मैंने। कनेक्ट किससे करते हैं बेटा? सेकेंड रूल उसमें लिखा था मैंने कि कनेक्ट विद, मैंने ये भी बोला था स्पेलिंग नहीं आता है तो यही वाला इस्तेमाल करो, ऐसा भी मैंने बोला था वहां पे। नहीं याद है ब्लैक बोर्ड पे लिखा करो बेटा, जो लिखा है वो कॉपी किया करो। सर हार्दिक, इफ आई बिलीव यस राइट, माय फ्रेंड आस्क मी इफ या तो वेदर आई बिलीव हिम, डू का डिड किया, डिड बिलीव के साथ चला गया तो वहां पे बिलीव्ड हो गया। ठीक है चलिए नेक्स्ट। यश, माय मदर सेंट टू माय फादर एंड आई राइट आंसर, माय मदर एंड माय फादर इफ ही इज राइट, इफ शी इज राइट, इफ शी शी वाज, शी वाज ओके। का वॉस वेयर करना पड़ता है तो वहां पे वॉस होगा और आई की जगह प्रोनाउन लड़की के लिए इस्तेमाल होगा तो शी, वेदर शी वॉज राइट। ठीक है यहाँ पे आंसर आएगा वेदर शी वॉज राइट, इफ लिखा है तो भी चलेगा, नो इश्यूज। चलिए नेक्स्ट, माय फादर सेड वी शुड गो ऑन होलीडे स्टूडेंट, माय फादर आस्क्ड इफ वी शुड गो ऑन होलीडे, एग्जैक्टली माय फादर आस्क्ड वेदर वी शुड गो ऑन हॉलीडेज। ठीक है वेदर वी शुड गो ऑन हॉलीडेज, यहाँ पे क्वेश्चन टैग वाला था, डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन टैग निकल जाता है। ठीक है ठीक है, सीधा जैसा इंट्रोगेटिव हम करते हैं वैसे ही करते हैं। चलो नेक्स्ट मोहित, टीचर सेड कैन यू हियर मी, टीचर आस्क्ड वेदर आई कुड हियर हर, एग्जैक्टली वेदर आई कुड हियर हर, वेदर कैन का यूज करना है, वेदर आई कुड हियर हर। पुलिसमैन सेड कैन यू ड्राइव योर कार, द पुलिसमैन आस्क्ड वेदर आई कुड ड्राइव माय कार। ठीक है मुझे पूछा है, कैन का कुड करना जरूरी है, उठा के पीछे लेके जाना है। देवराज, टीचर सेज आर यू एबल टू फाइंड दिस टाइम ऑन टाइम, तो आंसर टीचर आस्क वेदर वी एबल टू पनिश दैट ऑन टाइम, वेदर वी एबल, टीचर आस्क एज वेदर वी एबल टू पनिश दैट ऑन टाइम, पर आर का कुछ किया नहीं, क्यों छोड़ दिए आर को अकेले है, ऐसा नहीं छोड़ देगा आर, बुरा मान जाएगा, सो यू हैव टू डू इट जस्ट वन सेकंड। आई है वहाँ पे सेंटेंस नहीं, कुछ भी नहीं है ना, हाँ तो आई लगा सकते हो, तो आप
है तो वॉज लिखना पड़ेगा, आई लिखा है तो वॉज लिखना पड़ेगा. डन. चलिए युवराज. She said to me, "Will you have tea or coffee?" Answer. She asked if would I have tea or coffee. Exactly. Whether I would have tea or coffee. Whether I would have tea or coffee. क्या वो इच्छित छोड़ दिया? जो वो छोड़े. जो आता था वो कर दिया सब. मैं लिखाई नहीं है मैंने. Okay fine. चलिए ये वाला पहले कर लीजिए. पहले whether I would have tea or coffee. ठीक है. whether I would have नहीं will का would किया ना. क्या I would have tea or coffee. will का would किया फिर have का head क्यों करेंगे. will है मेन हमारा तो will है. will का would किया बस हो गया हमारा काम. whether I would have tea or coffee. It was very hot. ठीक है. She asked me whether it was very hot. नहीं किये? Flying. अच्छी लगी क्या? हाँ मैं अचानक किया. Right up. Sorry guys. To spoil your morning. इसका ऐसा ही चला गया. She asked whether it was very hot. It wasn't very hot. चलेगा. नेगेटिव है यहाँ पे. अच्छा isn't it है. So wasn't it very hot that day? Or that day wasn't very hot? That day wasn't very hot. Whether it wasn't very hot that day? Whether it wasn't very hot that day? Whether it wasn't very hot that day? इज़न का वजन करने का इसके पीछे लेके जाओ. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. मैन सेड शुडंट वी राइज़ अवर वॉइस अगेंस्ट इट. मैन आस्क्ड वेदर वी शुडंट राइज़ अवर वॉइस अगेंस्ट इट. एग्जैक्टली. वेदर वी शुडंट राइज़ अवर वॉइस अगेंस्ट इट. वेदर वी शुडंट राइज़ अवर वॉइस अगेंस्ट इट. चलो नेक्स्ट. हो गए. डन. फिनिश. ओके. चलो अब एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस देखेंगे. एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस किसे कहते हैं. द फर्स्ट सबसे पहले तो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस समझना जरूरी है कि उसे कैसे कहा जाए. तो जहां पे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखे आपको सेंटेंस में. मैडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है. तो फीलिंग से जुड़ा हुआ होता है. जहां पे आपको कोई फीलिंग जो कि आप महसूस कर सकते हैं लेकिन आप किसी को दे नहीं सकते किसी से ले नहीं सकते. इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग. ओके. फॉर एग्जाम्पल पेन हैप्पीनेस ऑनेस्टी स्मार्टनेस ये सारी चीजें यू कैन फील बट यू कैन नॉट गिव एंड टेक. तो इस तरह के जो भी नाउन होते हैं उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है. जब भी सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखे हैं तो वो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस है ऐसा कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाउ ऑनेस्टी इज. ऑनेस्टी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. हाउ कोल्ड इट इज. बहुत ठंडा है. यू कैन फील इट द कोल्डनेस. यू कैन फील इट. यू कैन नॉट गिव एंड टेक. ठीक है. सो इट इज वेरी हॉट टुडे. यू कैन अगेन फील इट. ओके. सो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जुड़ा हुआ सेंटेंसेस मोस्टली एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस होता है. एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस को पहचानने के लिए दिस सिंबल हैज बीन यूज. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी मार्क्स. जहां पे भी आपको कभी कभी एक्सक्लेमेंट्री मार्क दिया होता है तो आप समझ जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस है. ठीक है. किस तरह के कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस्तेमाल किए जाते हैं. कभी इतना वर्ड होता है और फिर पूरा सेंटेंस होता है. तो इट मींस द होल सेंटेंस इज एक्सक्लेमेंट्री. तो इस तरह के कभी वर्ड भी इस्तेमाल किए जाते हैं. ओ दैट इज सरप्राइजिंग. वाव दैट इज अप्रिशिएशन. अलास दैट इज सैडनेस. ओ How and what
that they are used to make the exclamatory sentences. Bravo, किसी को appreciate करना, शाबाशी देना, well done, again appreciation, God bless you, to bless someone. ठीक है, तो इस तरह के जो भी abstract noun इस्तेमाल होते हैं उस तरह के sentence को कैसे indirect करना है वो आज देखेंगे. For example हम कहेंगे appreciated
होता बी क्योंकि मैंने अस लिया है. अगर आई लिया होता तो मी लिया होता तो आई आता. सेड बी हैड हैड का हैड किया प्लेड है. We had played very well. We had played very well. ठीक है तो सीधा लिख दोगे कि ही अप्रिशिएटेड हिम एंड
शी अप्रिशिएटेड, कोई नहीं दिया है तो शी अप्रिशिएटेड एंड फर्दर सेड, फिर दूसरा सेंटेंस आ जाएगा नीचे जो भी होगा वो, ठीक है समझ में आ रहा है? तो इसका सिंपल बनेगा शी अप्रिशिएटेड, फिर उसमें गुड जॉब का ही हैव डन गुड जॉब ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऊपर अप्रिशिएटेड डन फिनिश स्वीट एंड शॉर्ट, ठीक है चलो वन मोर।
रूप क्यों शांत हो गया? कल से मैं तेरे बारे में सोच रही हूँ। ये मस्ती को शांत क्यों हो गया है? एकदम डिसेंट बच्चा बन गया ट्वेल्थ में, कुछ हो गया क्या? डांट बहुत पड़ी है घर पे रह के, इतने दिनों घर रहने का असर है? ये तो मैं तो सोच रही थी। क्या रोज घर पे नहीं रहते थे भाग जाते? चलो दिनेश, चलो तुम्हें भी लेट हो गए, 5 मिनट है। ओके नाउ लिसन हियर, आप सबने यहाँ पे लिखा होगा मुकेश टोल हर दैट ही वुड बी अ मोटर मैकेनिक। ओके इसको आप और कैसे लिख सकते हो? मुकेश टोल हर दैट ही वॉन्टेड टू बी अ मोटर मैकेनिक। बाय बाय एवरीवन।